नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। वैसे आज का वीडियो तो उतना खास होने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो भिंडी की पहली फसल है उनकी तोड़ाई कर रहे हैं। तो इनके लिए कुछ तोड़ाई के लिए दोस्तों जो नारियल और अगरबत्ती है उनके साथ हम अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। क्योंकि किसानों के लिए उनके खेत ही सब बढ़कर होता है, सब कुछ होता है, तो उनका दोस्तों सम्मान किया जाता है किसानों के द्वारा। तो इसमें भी पहली तोड़ाई है, तो इसका सम्मान करते हुए हम इसमें नारियल और जो अगरबत्ती है उनके साथ पूजा है वो कर रहे हैं। तो और इस पर पूजा करने के बाद दोस्तों इसकी पहली तोड़ाई जो किसान लोग हैं वो करते हैं। तो इसी जो नियम है उनको बनाए रखते हुए हम लोग भी एक नारियल और अगरबत्ती के साथ ये जो अपने खेत में पहुंच चुके हैं और इन जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें भिंडी है उसकी पहली तोड़ाई करेंगे, तो बहुत खुशी की बात होती है दोस्तों कि लगभग 2 से 3 महीने कड़ी मेहनत करते हैं और आपको उस चीज़ों में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं ये जो भिंडी का फसल है लगभग 60 से 70 डिसमिल है, लगभग देखा जाए तो 1 एकड़ में थोड़ा ही कम है। तो उन्हीं में दोस्तों ये जो फल है फूल है वो लगे हुए हैं और इन्हीं में पहला तोड़ाई हो रहा है। और पौधे की बात करें तो अभी 1 फीट के आसपास हो चुके हैं और उन्हीं में फल लगने शुरू हुए हैं, तो उनको तोड़ाई अभी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कुछ ही तरह से दिखाई दे रहा है, दोपहर का समय है और जितना भी सब्जियाँ निकलेगी उसको लोकल मार्केट में आज अपने लेकर बेच देंगे। चूँकि पहली बार तोड़ाई है तो उतना ज़्यादा तो नहीं निकल पाएगा जिसे हम मंडी लेकर जाएं। तो चलिए फटाफट जो पूजा पाठ का काम है उसको कर लेते हैं, फिर अपना जो तोड़ने का काम है दोस्तों उसको शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों जो इसमें पूजा पाठ है जो परंपरा थी उनको पूरा हमने कर लिया। अब चलिए इसमें जो फटाफट भिंडी तोड़ने का काम है वो करते हैं, क्योंकि पहली तोड़ाई है उतना खास तो निकलने वाला नहीं है। फिर भी जो अपना जो कहीं कहीं फल लगे हुए हैं उनको तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कितना फल तोड़े हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, दोपहर का समय है और ये रहा करेट जो कि जिसमें हम सब्जियों को रखेंगे, भिंडी तोड़ेंगे उसको। चलिए फटाफट तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं आखिरकार कितना हम लोगों ने भिंडी है जो पहली तोड़ाई है उसको किया है। तो इस खेत से दोस्तों जिस खेत को मैं दिखा रहा था उसमें लगभग 2 से 3 किलो ही जो भिंडी है उसको तोड़ पाए, क्योंकि पहली तोड़ाई है उतना खास नहीं हुआ। लेकिन ये देख सकते हैं अभी हमारे पास लगभग 40 से 50 kg भिंडी अवेलेबल है जो कि हमारे दूसरे खेत का है, और इस खेत में लगभग पहली तोड़ाई है तो लगभग 2 ही kg के आसपास तोड़ पाए। लेकिन अभी हमारे पास 4 करेट भिंडी है, देखा जाए तो जो 1 करेट का एवरेज होता है वो 12 से 15 kg के आसपास होता है, तो इसमें हम एवरेज 10 मान के चलते हैं। तो अभी हमारे पास लगभग 40 kg भिंडी अवेलेबल है, तो इसको लेकर मार्केट जाएंगे, मंडी है, क्योंकि लोकल में इतना सब्जियों को बेचना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम मंडी में लेके जाएंगे और देखते हैं कितना प्राइस मिल पाता है, क्या होता है। और देख सकते हैं इतनी मात्रा में भिंडियाँ हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह सुबह लगभग 7 से 8 बजे जो हमारी लोकल की सब्जी मंडी है बिलासपुर की वहीं पर, और कुछ इस तरह से जो सब्जियों का हाल है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सब्जियां हैं। सभी सब्जियों को एक एक करके नीलामी किया जा रहा है और देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में भिंडी, गोभी और बैंगन दिखाई दे रहे हैं। और ये हम लोग का भिंडी है, लगभग 4 करेट भिंडी दोस्तों देख सकते हैं भिंडी है, और सभी प्रकार की जो सब्जियाँ यहाँ पर अवेलेबल रहती है और सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सब्जियाँ उपलब्ध रहती हैं। यहीं पर दोस्तों जो सभी किसान होते हैं सुबह सुबह अपनी जो सब्जियां हैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां उनको लेकर एकत्रित होते हैं, और यहीं पर जो सभी खरीदार होते हैं थोक भाव में खरीदने वाले होते हैं वो यहीं से अपना जो सब्जियां हैं वो लेकर जाते हैं, और अच्छे से देखा जाए तो प्राइस में मिलता है और सभी प्रकार की जो सब्जियाँ ताज़ी और फ्रेश पाई जाती है। तो ये हम लोग का छोटा सा मंडी होता है और यहीं पर ले जाकर सब्जियों को दे दिया जाता है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 40 से 50 किलो सब्जियां होती हैं उनको लोकल में बेचना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहीं पर जो मंडियां होती हैं छोटी छोटी यहीं पर इसको दे दिया जाता है, जिससे बड़े ही आसानी तरीके से जो यहाँ पर सब्जियां बिक जाती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो ये होता है कुछ किसानों का प्रक्रिया, और कुछ इस तरह से सब्जियाँ मंडी दिखाई दे रहा है दोस्तों। और लगभग जो 30 रुपये किलो भिंडी बिका
और जो भिंडी का प्राइस था दोस्तों वो लगभग 30 रुपये केजी के आसपास बिका, और हमारा जो भिंडी था वो भी 30 रुपये ही बिका है। और देखा जाए तो आज उतना अच्छा मार्केट नहीं था, फिर भी अच्छा खासा 30 रुपये पर केजी के हिसाब से जो सब्जियां हैं वो बिक गई। तो कुछ इस तरह से जो किसान होते हैं वो अपनी सब्जियों को बेचते हैं, और हमने भी अपनी जो सब्जियां हैं उनको बेचा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाकी देख सकते हैं ये लगभग 1 क्विंटल भिंडी है, चूँकि ये दूसरे किसान का है और हमारा तो लगभग 40 से 50 केजी के ही आसपास था। तो ये सब आपके लिए आश्चर्यचकित बातें हो सकती है, 1 क्विंटल भिंडी देखना या 2 क्विंटल देखना, लेकिन किसानों के लिए नॉर्मल होते हैं, वे एक एक सब्जियां अपने हाथों से तोड़ते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब।